मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। और स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर हमारी ये पेशकश इंडियन कोस्ट गार्ड के उन जवानों को समर्पित है जो भारत की समुद्री सीमाओं की हिफाजत के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारी मौजूदगी इंडियन कोस्ट गार्ड के शिप समंदर प्रहरी पर है। आज बहुत कुछ खास होगा, यहाँ आपको हम जीवन दिखाएंगे कि आखिर समंदर में इनका जीवन कैसा होता है। लेकिन मलिका, सरप्राइज भी है। बिल्कुल, भारतीय तटरक्षक बल के जवानों की जिंदगी कैसे होती है, कैसे वो ऑन बोर्ड अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके शौर्य की कहानी तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन आपकी मुलाकात हम एक बेहद खास मेहमान से भी करवाएंगे। बिल्कुल, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर शिप पर जीवन कैसा होता है और मिलाते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। शिवांगी, दर्शकों को अपने सरप्राइज के बारे में बता दें जिसका जिक्र हमने किया था। बिल्कुल मलिका, अब तो मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखिए इस खास शो के दौरान हमारे रियल सुपर हीरोज के हैरतअंगेज कारनामे तो आपका इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सच्चे देशभक्त से मिलाएंगे जिनके फौलादी हाथ या फिर कहें 2.5 किलो का हाथ सलाखों को भी मोड़ देते हैं। बिल्कुल, और इनकी आवाज तो पंजाब से लेकर पाकिस्तान तक तहलका मचा देती है। चलिए सरहद पार दो बार गदर मचाने वाले एक ऐसे ही सच्चे देशभक्त से मिलते हैं जिनका नाम है तारा सिंह। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सनी, मीट DIG सर गिरीश दत्त। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम ऑन बोर्ड कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रहरी। से So I would like to present a cap, sir. I know today you'll not be able to wear it, but maybe sometimes. इस साल के बाद तारा सिंह जी एक बार फिर से गदर मचाने के लिए तैयार हैं। We are all so excited to have you with us. Thank you. तो आप तैयार हैं क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ये शिप है, आज हम आपको टूर भी कराएंगे और लेके चलेंगे, दिखाएंगे कि आखिर इनका जीवन कैसा होता है। तैयार हैं आप? Ready, let's move. March of the Lion, March of the Lion. This is Indian Coast Guard. तारा सिंह जी, ब्रिज एरिया में आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इस वक्त यहाँ पे तो बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, यू कैन हैव। आपने सर बाकी ट्रेडिशनल जहाजों में देखा होगा एक व्हील होता है बड़ा सा, सो इस जहाज में वो चीज नहीं है। वो मिस हो रही है। हाँ, वो इसी से कंट्रोल होता है। ये छोटा सा कंट्रोल है जिससे कि हम शिप को दाएं बाएं ले जा सकते हैं। ये शिप के इंजन का कंट्रोल है, यहाँ से शिप की स्पीड बढ़ाई और घटाई जा सकती है। और ये शिप जो है करीब करीब 28 किलोमीटर पर आर की स्पीड करता है नॉर्मल केस में, एंड 38 तक जा सकता है स्पेशल केसेस में। तो इसमें वो प्रोविजंस दिए रहते हैं। और सीज रफ, इट कैन हैंडल द, वी हैव बीन हैंडलिंग। अभी जो साइक्लोन बिप्रोजॉय जो आया था, अच्छा उसमें हम लोग समंदर में थे और सबको कह रहे थे आप लोग घर जाइए। सो हमारा काम है ऐसे सी में काम करने। नहीं, वो तो है, लेकिन जहाज शुड बी मेंटेन कर लेता है। यस, बी एबल टू हैंडल दैट। जहाज मेंटेन कर लेता है, ह्यूमन का थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, जहाज एज ए बॉडी तो मेंटेन कर लेता है सर। और नेविगेशन का भी सर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, राइट? सो नेविगेशन के लिए सर ये शिप में एक रेडार दिया हुआ है। रेडार बेसिकली दूर से कॉन्टैक्ट्स वगैरह देखने के लिए, इससे मूवमेंट से और इसके कंबाइंड AIS के साथ थोड़ा बहुत हमें आइडिया लगता है कि सस्पिशियस है या फ्रेंडली है, मतलब उसके कुछ पैरामीटर्स है। उस पर हम अभी नहीं जाएंगे सर। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ट। Nowadays all ships have got electronic chart. पेपर चार्ट का ज़माना, आई मीन थोड़ा सा दूर चला गया, तो पूरा इसमें मैप रहता है। Obviously you all know कि how to understand कि कौन से शिप पे क्या शक है, उसकी क्या है, वो इन्फॉर्मेशन आपके लोग आपके पास होती है। एक तो इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस है। दूसरा कुछ पैरामीटर्स होते हैं हम लोगों के कि एक कॉन्टैक्ट को देख के किस तरह का बिहेव कर रहा है, जनरल पैटर्न क्या है उस एरिया में जहाज़ों का। सब लेट्स सी ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये दाएं से बाएं जा रहा है, तो थोड़ा सा एक अलग। एग्जैक्टली, तो हम उसको फिर इंटरोगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड फर्दर प्रोसेस को चालू। तो आप देख सकते हैं इस वक्त
तारा सिंह जी जो हैं कैप्टन की कुर्सी, कैप्टन तारा सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन तारा सिंह, आपको कैप्टन की सीट पर बैठकर कैसा लग रहा है? तारा जिथे बह जाता है कैप्टन हो जाता है। ये जो आप पूछ रहे थे शिप के चैलेंजेस के बारे में, देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बता दूं। हम लोग एक ऐसी फोर्स हैं जिसके मेन काम है सर्च एंड रेस्क्यू। समंदर में कोई फिशरमैन, मर्चेंटमैन कोई भी डिस्ट्रेस में है तो सबसे पहले वो कोस्ट गार्ड को कॉल करता है, और हम लोगों का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना हुआ है, चाहे वो मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हों जिसमें हम न सिर्फ इंडिया बल्कि विदेशी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी डिस्कस करके बचाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कहाँ पर है। तो सर्च एंड रेस्क्यू मेन है। सो अगर हम आंकें नंबर को आंकड़े को देखें तो करीब करीब 12,000 लाइफ आज तक हमने बचाई हैं पिछले कुछ सालों में। एंड दूसरा पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, जिसके लिए हमने स्पेशलाइज्ड वेसल ये बनाए हैं, प्लस इंटेलिजेंस का भी सी साइड में इंटेलिजेंस भी कोस्ट गार्ड के रोल में आता है। वी आर द लीड इंटेलिजेंस एजेंसी फॉर दैट। सर एक सवाल है जी, बॉर्डर पार ये कर गए थे सरहद पे, तो हम देखते हैं कि बहुत आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पानी में अगर कोई पार कर जाए तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ मैम, समंदर में एक्चुअली स्पीकिंग कोई बॉर्डर होता नहीं है। समंदर में कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ लॉ हैं जिसके हिसाब से वाटर्स को डिफाइन किया गया है कि यहाँ तक आपका है, इसके बाद ये कॉमन है। सो जनरली कुछ कुछ नियम हैं, लाइक जो टेरिटोरियल वाटर्स जो बोलते हैं 12 माइल, वहाँ तक लैंड का पूरा लॉ चलता है। उससे अंदर आने के लिए परमिशंस चाहिए होती हैं जो कि वो नॉर्मल मर्चेंट में लेते ही हैं। आई थिंक खासतौर जब हमारे यहाँ वो हादसा हुआ था उसके बाद आई थिंक विच वॉज अ वेरी केयरलेस थिंग, तो उसके बाद उनको लगता है एवरीबडी हादसे जहाँ जहाँ दुनिया में हो उसके बाद पूरी दुनिया बहुत एकदम अलर्ट हो गई है। अभी वी डोंट टेक एनीथिंग लाइटली एंड दैट्स द वे इट शुड बी, बिकॉज आज़ादी का फ़ायदा उठाते हैं लोग जो नहीं करना चाहिए। और समुंदर के अंदर ये मच्छियों के लिए जगह है, आदमियों के लिए तो नहीं, तो ऑब्वियसली मुश्किल ही मुश्किल है, बट डेफिनेटली जिस तरह से आप लोग सब करते हैं और आप लोगों ने जो इसकी ट्रेनिंग की हुई है, अभी तो आप लोगों के लिए तो एक नॉर्मल चीज़ है, बिकॉज एक दफ़ा आदमी कोई चीज़ की ट्रेनिंग कर लेता है सन इट इज़ अ सेकेंड नेचर। लाइक मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ ना, तो मैं जो भी खेल खेलता आदमी तो उसमें फिर वो एक्सपोर्ट हो ही जाता है। तो एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल आर एक्सपर्ट इन योर जॉब्स एंड यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। थैंक यू सर। इसके बाद सर थोड़ा बहुत हमारे पास फायर पावर भी है शिप के पास, इनकेस कभी कुछ उस तरह की डीलिंग करनी हो तो एक बार आपको जस्ट उसका टूर करवा देते हैं। और इस सब चीज़ के लिए की चाहिए। टारगेट तो सर 1500 मीटर पर टारगेट हिट करती है, 1500 मीटर पे टारगेट से भी 100 सरफेस पे 2000 मीटर से पावर फंक्शन। इस एरिया को हम लोग गन डेक कहते हैं। डेक बेसिकली फर्स्ट शिप का और गन लगी है 30 mm बेडक गन, ये आपने आर्मी के टैंक्स के ऊपर देखी होगी, तो ये उसका मरीन वर्जन है। इसका भी रेंज कितना होगा? इसका रेंज तो काफी रहता है सर, करीब करीब 3.5 से 4 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेंज इसका रहता है, तो एंटी एयर एंड एंटी सरफेस दोनों में काम करता है। अगर वो नहीं जला तो ये हाथ से मार करके पानी में स्प्लैश पैदा करेगा, तो हेलीकॉप्टर इसको देखने के बाद अभी अप्रोच करेगा और इसको यहाँ से लेकर के जाएगा।
सनी जी, ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आपका समुद्र के साथ रिश्ता कैसे है, क्योंकि आप एक एक्टर हैं, आपने कई ऐसे रोल्स किए हैं जहाँ कहीं ना कहीं आपका समुद्र पर कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, अगर आप बता सकें। देखिए, मैंने कई फिल्में की हैं जहाँ पर एक समुद्र, खुद ही वो फिल्म थी जिसके अंदर समुद्र अंदर के अंदर थे, एंड ड्राई डॉग्स थे उसके अंदर, हमारा काफ़ी क्लाइमैक्स हुआ था। तो पता नहीं, मैं आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ स्टफ। कोई खास एक्सपीरियंस आपका समुद्र से जुड़ा? ऐसा तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट इट हैज़ ऑलवेज बीन ग्रेट एक्सपीरियंस। इवन जब मैं डर कर रहा था, इन दैट आई वाज प्लेइंग द नेवल ऑफिसर एंड आई रेस्क्यू फ्रॉम द मार्कोस की भूमिका में थे आप, बहुत टफ जॉब होता है, तो उसकी तैयारी आपको वो दिन याद है, कैसी तैयारी? देखिए, मैं हमेशा तैयारी रहता हूँ कोई भी चीज़ के लिए। रब ने मैनु, बिकॉज बींग अ स्पोर्ट्स गाय एंड पापा माई जीन्स, सो हम लोग कहीं ना तो कहीं कैसे ना तो कैसे फिट हो ही जाने हैं। उसके अलावा सरदार हूँ, जाट हूँ, देख लेंगे। हाँ? सर, आज हमारा काम आप करेंगे। मैं आपका काम कर रहा हूँ। और आज आपकी तबीयत नासाज है, इसलिए आपका काम हम करेंगे। आई विल डू योर वर्क, यू डू माय वर्क। ओके सर, लेट्स डू इट। आज तो सी लड़ो, मैं गल्ला करता हूँ। हाँ जी, मैं दोनों तरफ का एंकर हूँ। ये हमेशा हमसे काम करवाती हैं, आज ये करेंगी, देखते हैं कौन जीतती है। यहाँ मैंने देखा कि ये कुछ वन साइडेड था, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है, अभी देखते हैं कि क्या करते हैं इस बार। सेकंड राउंड टीम ऑफ रेडी, रेडी, चलिए शुरू हो जाइए। ओन माय काम, वन टू, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो चलो। पाकिस्तान है सर, हम हैं वैसे दोनों एक ही। बट कांग्रेट्स मलिका, थैंक यू। देखिए, लगातार हम शिप पर हैं और ये शिप हम दिखा रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन पेट पूजा भी तो जरूरी है। वो हम चलते चलते भी कर सकते हैं, लेकिन अब जरूर करेंगे। आपकी सबसे पसंदीदा मिठाई क्या है? जलेबी। और आपको वही मिल गई जलेबी आज शिप पर? मैं पहले बहुत खाया रहा था, पाँच एक एक किलो का आता था, ज़्यादा से बना के उसी वक्त खाए रहते थे। आपको कैलोरीज का कभी कैलोरीज का सोचता नहीं, उतनी एक्सरसाइज करो, बर्न इट, प्ले गेम्स, बर्न इट। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या भूल ही गए हैं, उस उम्र में तो हम पता नहीं कितना खाते थे, हटते ही नहीं थे, खाए हटे खाना खाया। आप जलेबी क्योंकि आपकी फेवरेट है, तो आप बनाना भी चाहेंगे? कहाँ मेरा हाथ नहीं जलेगा सर, ये ऊपर से करिएगा थोड़ा सा, एक बार करके दिखाओ सर को। जवानों की सुपरविजन में कोई गलती नहीं हो सकती। तो जी मीडिया के कैमरे पर आप देखिए, जो 2.5 किलो का फौलादी हाथ आज जलेबी बना रहा है इस शिप पर। कोई नहीं, मीठी है आपके हाथ की है। जलेबी जलेबी होती है, yes. है ना? Not bad. जलेबा है ये बड़ा। तो आज आपने आंच पर जलती हुई जलेबी नहीं, हॉट प्लेट्स पर बनी हुई जलेबी खाई है। बहुत टेस्टी है,
जलेबी जलेबी होती है, हमर जी बना लो तो इसे गर्म तो करना ही पड़ेगा। इसका स्वाद थोड़ा मीठा, मीठी चीज मीठी नहीं होगी तो क्या होगा। चले फिर तो देखिए शिप पर खाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर इंतजार खत्म नहीं हो रहा। तारा सिंह पहुँच गए हैं, लगातार शिप का टूर कर रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। हाँ, मैं अपने लोगों के बीच हूँ, अपने फैमिली के बीच हूँ, तो खुश नहीं होंगे तो कहाँ खुश होंगे। खाने की तैयारी तो यहाँ पूरी है, पंजाब की खुशबू यहाँ नजर आ रही है। वो पंजाबी खाना नहीं खाएंगे तो कौन खाऊगा। और सनी जी बोलते हैं ना, पंजाबियाँ दी शान वखरी, और पंजाबी खाने में भी वही स्वाद होता है जो, और मुझे लगता है और किसी के जीन में, आप दुनिया में कहीं खाना खाने चले जाएं, अगर आप पंजाबी है ना तो दिल यही खाने का करता है। क्या क्या है मेन्यू भी देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या है। वैसे आपका पसंदीदा अगर मैं पूछूं खाना क्या है। घर का खाना सीधा दाल, एक दाल, एक सब्जी, दही, दो फुलके, बस बस हो गया। अब यहाँ से हम शुरुआत, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। और देखिए खासकर हम यहाँ पर देख रहे हैं बाजरे की रोटी जो कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, और मक्के की रोटी। यस, हर खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, तो एक बहुत बड़ी बात, आपका जो शरीर है इट्स अ मिरेकल। अच्छा, आपकी कोई फूड प्रेफरेंसेस है घर का खाना में भी, जैसे ब्रेकफास्ट में। तो ऐसी आदत हो गई है, लोग बोलते हैं हम खाते नहीं, मैं तो लौकी खाता हूँ। नहीं, मैं भी खाती हूँ, आई लाइक। सबसे सही सब्जी है वो, बिल्कुल। और अगर आप शूट पर होते हैं, मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, तब आप कैसे अपने डाइट का ख्याल रखते हैं। अक्सर मेरे साथ कोई होता है जिसको मैं लेकर चलता हूँ, बिकॉज मुझे होटल का खाना खाना नहीं होता। मैं तो अक्सर क्या करता हूँ, मैं जहाँ भी होता हूँ किसी के घर में घुस जाता हूँ, उनको बताता नहीं। अच्छा? बताऊंगा तो बड़ा अच्छा अजीब और खाना बनाएंगे, तो मैं खाना नहीं चाहता, मैं खाना चाहता जो उस वक्त उन्होंने बनाया। यानी आप किसी एरिया में शूट कर रहे हो तो वहाँ के लोग सतर्क हो जाएं कि सनी देओल कभी भी आएंगे और घर का खाना मांगेंगे। हाँ हाँ, मैं ऐसी तक जाके, और बेचारे लोग जो भी होता है, मैंने थोड़ी ना इतना खाना है, लेकिन वो जो पैलेट होता है, वो जो स्वाद होता है, वो कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल। सनी जी, थोड़ी गदर की भी बात कर लेते हैं, सीक्वल की तैयारी क्या उसी वक्त से प्लान हो गया था कि हाँ कुछ वक्त के बाद सीक्वल लाया जाएगा, या ये एकदम रैंडम हुआ। गदर जब हमने की थी, हमें नहीं पता था गदर गदर मचा देगी, और गदर ने ऐसा गदर मचाया कि लोगों के दिलों में ऐसे बस गई है कि वो हमें मजबूर कर रही थी कि इसको आगे लेके चलो। लेकिन मैं डरता था कि वो एक ऐसी कंप्लीट कहानी है कि उसके साथ उसके बाद दूसरी चीज़ लाएँ, वो उससे मैच नहीं कर पाएगी। और दो दशक का इंतज़ार कराया आप लोगों ने। फिर कोविड के टाइम वक्त ही वक्त आया, तो राइटर और डायरेक्टर साहब उन लोगों ने कुछ मुझे आइडिया सुनाया, और फिर दो साल थे उसके अंदर उन्होंने डेवलप किया जो हम पेश कर रहे हैं, और कहानी उसी की कंटिन्यूशन है।